हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पायरिया के बारे में। पायरिया क्या होता है और पायरिया का क्या इलाज है, मैं आज इस वीडियो में बेसिकली आपको वही बताऊंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। जैसे ही मेरे नए वीडियोज आते हैं आपको सबसे पहले मिल जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पायरिया बेसिकली क्या होता है? पायरिया को इंग्लिश में पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिडोनशियम। बेसिकली पायरिया कहाँ से स्टार्ट होता है? तो सबसे पहले क्या होगा, जो स्टेज वन होगा उसमें जो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी वो आपके जिंजाइवा में होगी। ठीक है, जो हमारे मसूड़े हैं उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। हमारे मसूड़े धीरे धीरे उनमें से खून निकलने लग जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि जनरली पीपल नोटिस नहीं करते हैं। जब आप ब्रश करेंगे, जब आप कुछ खाएंगे तो ब्लीडिंग उसमें से होगी, बहुत ज्यादा रेडनेस आ जाएगी, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाएगा जिंजाइवा का। उसके साथ ही धीरे धीरे स्वेलिंग होने लग जाएगी, फिर उसमें मवाद भरने लग जाएगा। अगर उसी कंडीशन को आप वहीं पे रोक देते हैं, वहीं पे डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं, दिखा लेते हैं, प्रॉपर इलाज करवा लेते हैं, तो वो चीज वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि लोग इसको बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करते, ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे जो है डिस्ट्रक्शन बढ़ता रहता है। तो फिर क्या होगा, जब आपको मवाद भरने लग जाता है, धीरे धीरे बोन लॉस होने लगता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे दांतों को बोन ने पकड़ रखा है, तो जब वही बोन लॉस होने लग जाएगा, जब बोन धीरे धीरे दांतों को छोड़ने लग जाएंगे, तो आपके जो दांत है वो धीरे धीरे मोबाइल होने लगते हैं, हिलने लगते हैं। स्टार्टिंग में ये ग्रेड वन होता है, फिर ग्रेड टू होता है, ग्रेड थ्री होता है। तो ग्रेड थ्री के जब कंडीशंस आ जाती है तो उस कंडीशन में हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं बचा सकते। बहुत सर्ट कंडीशन में आपको दांत निकलवाने पड़ जाते हैं। पर अगर ग्रेड वन मोबिलिटी आती है, आपको महसूस हो रहा है कि हाँ मेरा दांत हिल रहा है, उस कंडीशन में भी आप डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं और अपने दांतों की क्लीनिंग वगैरह करा सकते हैं, क्योंकि पायरिया में बहुत ज्यादा कैलकुलस डिपॉजिट हो जाता है, बहुत ज्यादा प्लाक एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे टूथ सर्फेसिस पे, राइट? जो मतलब अगर आपका एक दांत है तो उसके आगे भी, उसके पीछे भी, मतलब चारों तरफ जो होता है वो कैलकुलस इकट्ठा हो जाता है। वो किस वजह से होता है? हम रेगुलर ब्रश करते हैं फिर भी लोग पूछते हैं। आप रेगुलर ब्रश करते हैं लेकिन अगर आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है, आप सही ढंग से ब्रश नहीं कर रहे हैं, या फिर पायरिया जेनेटिक भी होता है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही हो किसी को तो भी पायरिया आपको हो सकता है। ठीक है, पर जो बेसिक कॉमन रीजन है पायरिया होने का वो यही है कि लोग अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं, दांतों को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे गंदगी जमा होने इकट्ठी होती है, फिर वो डेंटिस्ट के पास जाके दांतों की सफाई भी नहीं करवाते हैं और वो धीरे धीरे पायरिया के फॉर्म में टर्न हो जाती है। तो पायरिया बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन तब हो जाता है जब एक्सेस बोन लॉस हो जाता है और एक्सेस मोबिलिटी आ जाती है आपके दांतों में। बेसिकली इसका इलाज है, संभव है, बिल्कुल है। जब भी आपको लगे कि आपका दांत हल्के से हिलने स्टार्ट हो गए हैं, या उससे पहले की कंडीशंस जो मैंने आपको बताई, जैसे आपको लग रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा हमारा कैलकुलस डिपॉजिट हो गया है, कहीं पे खाना फंस रहा है या फिर कहीं पे कैविटी बन रही है, उसी वक्त जाइए, उसी वक्त डेंटिस्ट को दिखाइए, उसका इलाज करवाइए। पायरिया की कंडीशन में जनरली क्या होगा, जो डेंटिस्ट होगा वो आपकी डीप स्केलिंग करेगा, पूरी सब जिंजाइवल एरिया उसको इंक्लूड करेगा। अगर रूट प्लानिंग करना पड़ा तो वो भी करेगा। रूट प्लानिंग करने के बाद आपको जो भी उसको जेल वगैरह प्रिस्क्राइब करना होगा, अगर कंडीशन वैसी रही तो वो करेगा। ये चीज बहुत चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे बहुत लोगों को सिस्टमिक प्रॉब्लम होता है, किसी को डायबिटीज होता है, किसी को अस्थमा होता है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है, राइट? तो वो आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हीलिंग में कितना टाइम लगेगा या फिर आपके जो ट्रीटमेंट है वो कितना टाइम चलेगा। बट इसका ट्रीटमेंट जो है वो डेफिनेटली है, आप जरूर करवाइए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि पायरिया की कंडीशंस अच्छे में कन्वर्ट हो सकती है, वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। पर बहुत ज्यादा देर मत लगाइएगा, नहीं तो अदरवाइज टूथ निकालने के सिवा फिर कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। तो होप गाइज आपको पायरिया समझ आया हो कि पायरिया क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे के लिए टेक केयर।